नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुडिया गौर और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। राहत नहीं मिलने से नाराज सिरपुर ढाब के बाढ़ पीड़ितों ने खराघाट पुल को घंटों जाम कर बवाल काटा। सिकंदरपुर इंडोर स्टेडियम में 3 दिनों तक चलने वाले बिहार वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन आईजी गणेश कुमार ने किया। और अहियापुर थाना क्षेत्र के जीरोमाल चौक स्थित राजधानी सू में कल देर रात आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और मुशहरी सीओ के आश्वासन पर जाम खत्म हुई। दरअसल शेखपुर ढाब के बाढ़ से प्रभावित होकर मोहल्ले के लोगों ने शुक्रवार को खराघाट सड़क पर उतर गए और टायर जलाकर जीरो माइल मुख्य मार्ग को बंद कर प्रदर्शन करने लगे। आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन करे तो क्या करे, धीरे धीरे सड़क जाम के कारण इधर जीरो माइल चौक तक जाम लग गया और इधर कृष्णा टॉकीज तक लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। बाढ़ से आक्रोशित लोगों का कहना था कि बाढ़ का पानी बढ़ने से पूरी बस्ती डूब गई है। कुछ महीनों पहले पूरी बस्ती जलकर राख हो गई थी, लेकिन उस पर भी सरकार से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिल सका है। इधर बाढ़ के पानी बढ़ने से काफी समस्या हो गई है, जिसको लेकर मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने बीते 4 दिन पहले मुशहरी के सीओ के यहाँ आवेदन दिया था, लेकिन वह नहीं लिए, जिसके बाद पीड़ित परिवार के सैकड़ों लोग जिला पदाधिकारी के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज उग्र होकर सड़क जाम किया है। आक्रोशित लोगों की मांग है कि पार उतरने के लिए नाव दिया जाए, भोजन का प्रबंध किया जाए, पन्नी का प्रबंध किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम कर बवाल किया है। कारण था कि 4 दिन पहले जो साहब के हम लोग आदमी से पेपर लेकर के पेपर वो नहीं मिले, उसके बाद जो है डी एम साहब के यहाँ बोले, डी एम साहब ने सुनवाई की, कोई आदमी जब सुनवाई नहीं की है तब तो जाकर के हम लोग हड़ताल किए, यहाँ पर जाम किए हैं, जिसका नतीजा है कि शेखपुर ढाब पूरा डूबा हुआ, अगलगी हो गया। अगलगी में आज तक कोई उसका मुआवजा मिला है और न ही उसका छानबीन हुआ। छानबीन भी अगर उसका फोन लगाया, क्या लगाया, आपने से लगा, इसका कोई छानबीन है ना कोई मुआवजा है और न हम लोग को कोई बेनिफिट मिला। अब आगे आप लोग क्या मांग है? मांग है यही कि हम लोग को नाव दिया जाए, भोजन का प्रबंध किया जाए, पन्नी का प्रबंध किया जाए और रास्ता को चालू किया जाए, यही है हमें। लेकिन आज ना कितना घंटा जाम किए हैं रोड? 3 घंटा नहीं मिल रहा था अभी तक, अभी हम लोग तो बंद किए थे। क्या कुछ कोई अधिकारी से आश्वासन आया है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं आया है, बस अभी आया है जाम किया तब आया है वो लोग। क्या आश्वासन मिला है उनके तरफ से? भोजन का हम सब दिलाते हैं, भोजन जुगाड़ करते हैं और 3-4 आदमी को ले गए बोला करके, क्या देता है कर देता है। अब इधर मामले में अहियापुर थाना प्रभारी थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और अंचला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या को सुनी और समस्या का समाधान कर आक्रोशित लोगों को शांत करवाया, जाम को समाप्त करवाया तथा आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। सूचना मिली थी कि बाढ़ पीड़ित जो है खाराघाट के पास जो है जाम किया हुआ है। सूचना पर हम और अंचला अधिकारी महोदय मौके पर पहुंचे और उन लोगों से बात किए, बातचीत कर समस्या का समाधान कर दिया गया है, पूरा जाम जो क्लियर करा लिया गया है। क्या मांग था उन लोगों का? मांग था कि उन लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, डूबे हुए व्यक्ति विस्थापित जो हो गए हैं उनको पर्याप्त मुआवजा मिले और सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिल रही वो पर्याप्त नहीं बताया। आश्वासन मिला है कि उनको यथासंभव मुआवजा की जो राशि है वो आकलन कर दिया जाएगा। कितने देर जाम किया है वो लोग? लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक वो जाम रखते हैं। अभी जाम को पूरी तरह क्लियर करवा लिया गया? हम लोग जो है फोर्स कर रहे हैं, पुलिस बल के साथ अधिकारी वहाँ क्लियर करा लिया। मुशहरी ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में राहत नहीं मिलने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल बुचहा विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्से बाढ़ प्रभावित हैं और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविरों से नाखुश हैं। आज गुस्साए बाढ़ पीड़ितों ने मुशहरी सड़क पर आगजनी कर प्रखंड कार्यालयों में ताला तक लगा देने की कोशिश की। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुशहरी प्रखंड का मामला है और मुशहरी राधानगर रजवाड़ा ये सब बांध से
बाढ़ से पीड़ित लोग हैं और इनका सुनने के लिए यहाँ पर मुसहरी ब्लॉक में कोई अभी तक तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है जो इन लोगों का दुख दर्द को समझ पाए। सिकंदरपुर इंडोर स्टेडियम के बिहार उत्सव चैंपियनशिप का आज से शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इन चैंपियनशिप में 25 जिलों के 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। 3 दिवसीय 9वीं बिहार स्टेट सब जूनियर जूनियर सीनियर बुसु चैंपियनशिप का उद्घाटन आईजी गणेश कुमार, प्रभात तारा की प्राचार्य और बुसु फेडरेशन के दिनेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस चैंपियनशिप में बिहार के 25 जिले के 700 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को 28 जुलाई को खेल मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही उन्हें 29 अगस्त को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पदक प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी दिनेश मिश्रा बुसु फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा दी गई, साथ ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी दिया गया। ये 9वीं बिहार राज्य बुसु चैंपियनशिप जो मुजफ्फरपुर में आयोजित हो रही है, इसमें 25 जिलों से लमसम 700 खिलाड़ी बालक और बालिका सब लोग यहाँ पे आए हैं विभिन्न जिलों से, और यहाँ पर ये 3 दिनों की प्रतियोगिता है। इसमें हमारे मुजफ्फरपुर के आई जी यहाँ पर आए थे, अभी इन्होंने उद्घाटन किया, और इसके बाद समापन में हमारे खेल मंत्री जो 28 तारीख को हमारा समापन समारोह होगा। ये गेम 3 दिनों तक चलेगा, 26, 27 और 28 जुलाई इंडोर स्टेडियम सिकंदरपुर। इसमें से जो भी खिलाड़ी अव्वल होंगे सब जूनियर जूनियर और सीनियर में, ये सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बिहार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आएंगे उसको, उन सारे खिलाड़ियों को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 29 अगस्त को पटने के अंदर में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सम्मानित किया जाएगा। और ये सरकार की नीति है, जो भी खिलाड़ी अच्छा करता है उसे एक प्राइज मनी दिया जाता है, 1,75,000, 60,000 ये विभिन्न तरह की है, और आगे चल के अगर वो खिलाड़ी बहुत अच्छा करता है तो सरकार में उसे जॉब भी मिलती है। अभी बिहार के वुसु के 4-6 खिलाड़ियों को बिहार सरकार ने जॉब भी दिया है, और इस प्रकार से देखा जाए तो खिलाड़ियों के लिए उज्ज्वल भविष्य, खेल में सिर्फ अपना कर्तव्य दिखाएं, पदक जीते, और सरकार बिहार सरकार उसके साथ है। रेलवे प्रशासन द्वारा कांवड़ियों की भीड़ देखते हुए कलेजा और सुल्तानगंज के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन ये सुबह और शाम को चलेगी। सुल्तानगंज और पहलेजा जाने वाले कांवड़ियों के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा 2 स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। जीआरपी प्रभारी अक्षय लाल ने बताया कि कांवड़ियों के लिए जीआरपी और आरपीएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार से सोमवार तक जब तक कांवड़िया जलार्पण कर वापस अपने घर सही सलामत नहीं पहुँच जाते हैं तब तक रेल पुलिस उनके साथ रहेगी। शुक्रवार और सोमवार को कांवड़ियों की ज्यादा भीड़ रहती है, रेल की सुरक्षा बल के जवान उन्हीं की मदद को तैयार है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उसके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, उनको बैठाने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई ताकि ये सुरक्षित यात्रा कर सके। वर्तमान में कांवड़िया के लिए 2 ट्रेन की रेल प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, एक दोपहर में 12 बजे ट्रेन खुलती है सुल्तानगंज में, एक रात में जन सेवा एक्सप्रेस जाती है, काफ़ी भीड़ चली है रात की ट्रेन में, काफ़ी भीड़ हो रही है, उसकी यात्रा को सुरक्षित ढंग से तय करने के साथ बैठाने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार से रविवार तक ज़्यादा भीड़ देखी जाती होगी? हाँ, सोमवार ही दिन इम्पोर्टेंट होता है, सावन में सोमवार के दिन का ज़्यादा महत्व होता है, सोमवार के दिन सब लोग जो है जल धारना चाहते हैं देवघर में, इसलिए भीड़ रहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिले के भाजयुमो नेता स्वर्गीय रवि काजी के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी सभागार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने भाजयुमो नेता स्वर्गीय रवि काजी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा की गई। भाजयुमो नेता ने स्वर्गीय रवि काजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज बहुत दुखद दिन है, आज ही के दिन 1 साल पूर्व हमारे युवा मोर्चा के जिला के मंत्री बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी और संगठन के प्रति अपनी जबरदस्त आस्था और काम को करने वाले रवि कार्जी जी का निधन हो गया था। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं।
मैं सच्चे हृदय मन से एक ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए लगातार समर्पित रहे उनको अपनी अशुभ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज ही एक और दुखद घटना, कल हमारे यहाँ के एक समाजसेवी कुमार गणेश जी का भी कल निधन हो गया। एक शिक्षाविद थे, विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे, सभी लोगों की सेवा करते थे, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सदर अस्पताल के मेस का मोटर जल जाने से मरीजों को मिल रही है 2 से 3 घंटे देरी से भोजन। शिकायत के बावजूद अस्पताल प्रशासन सोई हुई है। सदर अस्पताल के मेस के मोटर खराब हो जाने के बाद पिछले 3 दिनों से इसका खामियाजा वार्ड में मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मरीजों को दिए जाने वाला खाना प्रतिदिन 2 से 3 घंटे देर से पहुंच रहा है। अभी तक सदर अस्पताल की प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी है, जबकि मेस के कर्मचारी द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई है। भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर में 2 से 3 फीट पानी लग गया था, जिसके कारण मोटर जल गया। इधर मामले में मेस के कर्मचारियों ने बताया कि खाना बनाने और बर्तन साफ करने के लिए बाहर से पानी लाना पड़ता है और फिर तब खाना बनाया जाता है। पानी नहीं चल रहा है मेस में, तो हम सब मंदिर पर से पानी लाते हैं और बनाते हैं, जाते हैं। खाना बांटने तो बोलता है कि 10 बजे इतना बजे तुम सब काहे खाना दे रहा है। कौन बोलता है? सिस्टर लोग बोलते हैं कि कितना बजे तुम सब काहे खाना दे रहा है। तो क्या जवाब क्या आता है आपका? हम सब कहते पानी नहीं चलता है, इसीलिए इस बात को लेकर कहीं आप लोग शिकायत किए हैं? अकाउंटर साहब जब बोले, अच्छा अकाउंटर साहब बोले कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, हम बोलते हैं अभी तक नहीं। आज कल होते होता है 3 दिन। क्या दिक्कत क्या है मोटर खराब है? पानी की वजह से हमको खाना लेट से, मोटर उटर खराब है, क्या खराब हो गया? हम लोग का पानी नहीं आ रही है सदर अस्पताल के जिन से हम लोग मेस में हम लोग परेशानी का पानी इकट्ठो करके खाना बनाते हैं। कहाँ से पानी लाते हो? मंदिर पर से पानी लाते हैं। हम लोग के सिस्टर भी रात में जाते हैं, दिन में खाना बांटने जाते हैं। हम लोग का सिस्टर बोलता है इतना टाइम में तुम लोग खाना बांटते हो, 2 बजे जाता है, 2.5 बजे जाता है। हम बोलते ऐसे मंदिर पर से पानी ठोकर के लाते हैं, तभी पर्सन लोग बात मानने नहीं करते। मैनेजर को भी बोले, सबको बोले, लेकिन बात नहीं माने। बोले आए जा, अभी आने जा। 3 दिन से हम लोग बोल रहे हैं मैनेजर को, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। काजी महमूदपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर सड़क किनारे नशा खुराने गिरोह के शिकार एक युवक बेहोशी की हालत में घंटों सड़क पर पड़ा रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। काजी महमूदपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर स्थित सड़क किनारे पड़ा एक युवक को बेहोशी की हालत में स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने काजी महमूदपुर थाना को दिया। सूचना मिलते ही काजी मोहम्मदपुर की पुलिस मौके पर पहुंच बेहोशी की हालत में पड़ा युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस को युवक के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, जिसके कारण युवक की पहचान नहीं हो पाई है। अयापुर थाना क्षेत्र के जीरो माइल चौक स्थित राजधानी सू हाउस में कल देर रात आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आज सुबह आग पर काबू पाया। अयापुर थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित गुरुवार की देर रात लगभग 2 बजे एक सू हाउस में भीषण आग लग गई। आग कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसमें लगभग 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। दरअसल यह घटना जीरो माइल चौक के समीप स्थित राजधानी सू हाउस नामक दुकान में गुरुवार की देर रात लगभग 2 बजे अचानक धुआं देने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और धुआं देखते ही दुकानदार को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही दुकानदार दुकान पर पहुंचकर देखा तो दुकान में पूरी तरह आग फैल गई थी, जिसके बाद दुकानदार ने इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। लेकिन आग इतनी भयानक रूप ले ली थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी व स्थानीय लोगों की कई घंटे की मशक्कत के बाद आज सुबह आग पर काबू पाया गया, लेकिन हालांकि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में दुकानदार शिवजी नायक ने बताया कि हर रोज की तरह वह दुकान को कल रात को भी बंद कर घर गए थे और खाना खाकर जैसे सो ही रहे थे, किसी क्रम में फोन आया कि दुकान से धुआं दे रहा है और जब तक दुकान पर पहुंचा तो आग विकराल रूप ले ली थी। उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी दमकल की गाड़ी को दिया। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए थे। उन्होंने बताया कि दुकान में लगभग 20 लाख का जूता और चप्पल थे, इसके अलावा कुछ कैश भी था जो जलकर राख हो गया। डेली गाड़ी उठने के सवेरे खोले, शाम रात में जो है 10 बजे बंद किए हैं।
बंद करने से पहले ये लाइन कुछ खराब था, भगभू कर रहा था, तो हम बगल वाले जनरेटर से जोड़ के काम चलाए। उसके बाद 10 बजे जो टाइम पे बोले उसके बंद करके जो चलते हैं उसे हमसे चले गए। जहाँ मेरा घर है वहाँ नदी में है, पानी में डूबा हुआ है, हेल कर हम लोग घर पर गए। घर में जाने में आधा घंटा लगता है, पानी मोटा है। उसके बाद वहाँ का खाना पीना खा के सो गए। बगल वाले पड़ोसी जो है सो 4:15 बजे करीब वो कॉल किए कि ऐसे ऐसे आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। हम लोग अचंभित हो गए, हमको मजाक समझ आए, नहीं आई जल्दी। जैसे तैसे पानी में जो है सो रहते हुए हम हमारा लड़का वाइफ सब जो है सो जैसे जैसे यहाँ पहुँचे। जब शटर खोल रहा है तो देख रहे कि पिछले भाग में जो आपका लहर जो तेजी से बढ़ रहा है, अब पूरा दुकान जो है धुआं से भरा हुआ है, किसी को अंदर घुसने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बगल वाले आस पास के जो आदमी है तो 2-4, 10-20 बार भी जो लहर को शांत किया। शांत करने वालों से मिलकर शटर उठा दिए हुए, गैस निकल जाए बाहर, तब जाकर कुछ पानी वानी डालेंगे। आदि फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिए होते आते ही समय में, उन आने में लेट किया, करीब 1 घंटा के बाद लेके आए। तब तक मैं 10 मिनट के बाद देखते हैं कि जो लहर उठा वो देखने लायक था। उसके बाद वो काबू में आने के सामान क्षति हुई है, करीब समझिए 20 लाख से ऊपर की शादी संपत्ति थी। पूरी जल के राख हो गई, पूरी तरह जल के राखे, कुछ बचा नहीं, न डेस्क न बेंच कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवजी नायर। दुकान का नाम क्या हुआ? दुकान का नाम राजधानी शू हाउस। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? घर यही 0 माइल में है। कितने सालों से दुकान है यहाँ पे? इधर मामले में अहियापुर प्रभारी थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने आग की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिली है कि दुकानदार को पुलिस द्वारा बोला गया कि आग में जो संपत्ति जली है उसका आकलन करके थाना को लिखित आवेदन दे, आकलन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। फिर हम लोग जो अपना अपनी समन सेवा भेज कर जो है आप पर काबू पाया गया है, और उसको बोला गया है कि अपना आकलन करके लिखित आवेदन दें। इतने लाख और इतने की राशि को जो है जल गया है, आकलन के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग 20 लाख की संपत्ति जलने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में अभी कोई लिखित प्रतिवेदन नहीं मिला है, लिखित प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं तो तुरंत जांच करते हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन,
इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर 7463884603 9006877392 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे, वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि LTEs ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% आया है JEE Main 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और JEE Main 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE Main 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। अगर आप फैशन की दुनिया में अपने आप को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप चिंता ना करें। आपके इस समस्या को दूर करने के लिए खुल गया है आपके अपने शहर में संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ बाहर के कारीगरों द्वारा कुशल काम किया जाता है। सभी प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर कलर, ब्लीच, फेशियल, शेविंग, हेयर डिजाइनिंग तथा मसाज भी किया जाता है। यही नहीं, शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे को सजाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर, राजमीना मार्केट, आम गोला रोड, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9798634075। यहाँ पे बाहरी कारीगर द्वारा जो भी है वो आधुनिक तरीका से सर्टिफिकेशन जो कस्टमर का हो सके वो हम देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवावे सुविधा, ताकि वो खुश हों और हमारे यहाँ बार बार आने का उनका मौका मिले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोतनिया स्थित SRT स्कूल के प्राचार्य को दबंगों द्वारा पीटे जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद प्राचार्य समेत स्कूल के शिक्षकों ने जिलाधिकारी से लगाई सुरक्षा की गुहार। रतनिया स्थित SRT स्कूल के प्राचार्य को दबंगों द्वारा स्कूल जाने के क्रम में गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी दी जाने के बाद प्राचार्य समेत शिक्षकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल SRT स्कूल के प्राचार्य मुकेश कुमार को स्कूल जाने के दौरान बदमाशों ने घेर लिया और गाली गलौज के बाद मारा भी तथा जान से मारने की धमकी दी। प्रचार ने बताया कि स्कूल में दबंगों द्वारा फ्री में पढ़ाने का दबाव दिया जा रहा था, नहीं करने पर घटना को अंजाम दिया गया। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूल जा रहा था, चमरुआ के पास 25 लोगों ने घेरा और लाठी डंडे से हमला कर दिया, ये कहते हुए कि तुम स्कूल में बहुत रंगदारी करता है, बच्चा सबको तंग करता है। बाद में नहीं समझ पाया। आवेदन में किसी स्टूडेंट का आप फीस नहीं मांगने का मामला लेके आ रहा है? हाँ, उसने धमकी दिया कि स्कूल में तुम बहुत तरह का बहुत आतंक फैलाए हो। क्या आतंक फैलाए उसके नज़र में क्या है, तो मेरा भी एक भगना पड़ता है उसको, तुम बहुत परेशान करते हो, क्या करते हो। पहचाने में उन्होंने अपना नाम निराले बताया, तो मैंने जब थाना प्रभारी को बताया कि वो बार बार अपना नाम निराले बता रहे थे, तो इससे थाना प्रभारी ने उनको समानालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा ने कारगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मोर्चा के सदस्यों ने वीर सपूतों पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि शहीदों को शौर्य और वीरता पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर भारत माता की रक्षा की। कारगिल विजय दिवस पर नागरिक मोर्चा मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन महान वीर सपूतों को नमन कर रही है, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दी। आज कारगिल युद्ध के 20 वर्ष पूरे होने पर पूरा राष्ट्र उन जाबाज शहीदों को नमन कर रहा है, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। कारगिल युद्ध के शहीदों की शौर्य और वीरता पर राष्ट्र को गर्व है, ऐसे जाबाज सिपाहियों को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। नागरिक मोर्चा बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग करती है कि पटना की तरह कारगिल चौक मुजफ्फरपुर में भी बनाया जाए, यहाँ भी कारगिल चौक या कारगिल पार्क की स्थापना की जाए, जिससे कि प्रत्येक वर्ष कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। आज नागरिक मोर्चा द्वारा भारत माता नमन स्थल पर हम उन वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सैनिकों को धूल चटा दिया था। अगर फिर कारगिल युद्ध जैसा कोई युद्ध हुआ तो दुनिया से पाकिस्तान का नाम भी मिट जाएगा। समानालय परिसर में लोजपा के सदस्यों ने लोजपा के नेता स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समाहरणालय परिसर में लोजपा के कार्यकर्ताओं ने लोजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामचंद्र पासवान निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान लोजपा के सदस्य स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोजपा के सदस्यों ने कहा कि रामचंद्र पासवान ने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया था, उन्होंने पार्टी को उठाने में अहम भूमिका निभाई। आज हमारे दिवंगत दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान जी का श्रद्धांजलि सभा पूरे बिहार में युवा लोक जनशक्ति पार्टी के और लोक जनशक्ति पार्टी जो भी टीम के संगठन के लोग हैं, सब लोग यहाँ आए हैं। और एक हंसमुख चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ रहता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसी के शोक मनाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या परिचय है? छोटी कल्याणी स्थित तैलिक विवाह भवन में बालाजी परिवार द्वारा दूसरी और तीसरी सोमवारी को कांवड़िया शिविर लगाई जाएगी, जिसकी तैयारी की शुरुआत आज से कर दी गई है। छोटी कल्याणी स्थित एक विवाह भवन में बालाजी परिवार के सदस्यों ने बैठक कर दूसरी और तीसरी सोमवारी को पुरानी बाजार चौक पर कांवड़िया सेवा शिविर लगाने का निर्णय लिया।
बालाजी परिवार के अमर बालाजी का कहना है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी परिवार के सभी सदस्य कांवड़िया शिविर में कांवड़ियों की सेवा के लिए रहेंगे और इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आज बालाजी परिवार का आम बैठक हुई है जिसका उद्देश्य दूसरी और तीसरी सोमवार के कांवड़िया का भीड़ देखते हुए उस पर अधिक से अधिक तत्परता के साथ उसका सेवा करने के लिए कि किस तरीके से क्रमबद्ध होकर हम लोग उसको सुसज्जित ढंग से सेवा करें, जो कमी पिछले साल रही है उसको दूर करते हुए हम लोग उसकी सेवा में अधिक से अधिक सुविधा उसको प्रदान कर सके। पानी टंकी चौक पर इनरविल क्लब के सदस्यों ने सावन महोत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए। पानी टंकी चौक स्थित एक सभागार में इनरविल क्लब ऑफ जागृति के सदस्यों ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। सावन मिलन में शामिल सभी सदस्यों ने हरी साड़ी, हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाकर सावन ऋतु का स्वागत किया। इस अवसर पर नृत्य, कजरी गीत, हाउजी तथा रैंप वॉक किया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से आपसी प्रेम तथा सौहार्द बढ़ता है। आज का जो कार्यक्रम है ये सावन मिलन के ऊपर आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम इनरविल क्लब ऑफ जागृति की तरफ से मनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ जागृति के ही मेंबर नहीं है बल्कि इनरविल एचपी, इनरविल मुजफ्फरपुर जो हमारी पीडीसी है वो सभी लोग गेस्ट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। ये क्योंकि फन और फेलोशिप का प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पर डांस, गाना, गेम्स, रैंप वॉक ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी जिस पर कि उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे अलग अलग तरीके के। और ये प्रकृति से जुड़ने का त्यौहार है। प्रकृति से जुड़ने का मतलब आप पौधारोपण करें, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के लिए आप उसको कम्प्लीट करें और आपसे सौहार्द को बढ़ाएं, इसी को लेकर के लिए कार्यक्रम जो है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।